आप कह सकते हो कि अगर हम और बात करते हैं आगे, तो कह सकते हो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? तो सेल के ही बने होते हैं, ठीक है। फंक्शन फंक्शन ऑफ बॉडी इज सम टोटल फंक्शन, किसका है? तो सम टोटल फंक्शन ऑफ सेल्स है, यानी जितना भी बॉडी वर्क कर रहा है वो सम टोटल ऑफ सेल्स ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ बॉडी इज सम टोटल वेट ऑफ सेल्स हो जाता है। और भी बात होती है कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी अदर प्लांट और एनिमल सेल का बना हुआ है या सेल के प्रोडक्ट का बना हुआ है, तो ये सारी बातें हो जाती है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, रिमेम्बर करेंगे। अब क्या है कि आगे क्या होता है तो ध्यान देना है। अगर बुक के अनुसार से देखें एनसीईआरटी में, तो ऐसा लिखा गया है 1940s के समय क्या हुआ, एक्चुअल डेट में बता देता हूँ, 1931 टू 1932 तक इस समय क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, इन्वेंशन हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंटेड किया? इन्वेंटेड बाई टू साइंटिस्ट, एक का नाम है एमनॉल एंड एक का नाम है ई रस्का। इसने इसको इन्वेंट किया, तो इन्वेंशन हुआ, उसके बाद क्या होता है और डिटेल स्ट्रक्चर हम समझते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो याद रखना है एक वर्ड आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, इमेज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में जिस इमेज को देखते हैं वो इमेज क्या होता है, काफी काफी इमेज अच्छा दिखता है, यानी कह सकते हो क्लियर व्यू दिखता है, डिटेल दिखता है, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर को कहते क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर क्या हुआ, डिटेल स्टडी के लिए जो हमने सेल को किया हुआ है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया सेल को, कौन कौन, तो एक बना दिया सेल मेम्ब्रेन यानी बाहरी लेयर की बात कर दी गई, दूसरा जो बताया वो है साइटोप्लाज्म का एरिया बता दिया गया, और तीसरा जो चीज आपको बताया गया है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अगर हम बात करते हैं अब आगे सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, इन केस ऑफ द एनिमल सेल क्या है, ये तो आउटर मोस्ट लेयर है ना, एनिमल के लिए क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल के लिए है, ठीक है। अब यहां पे एक बात और बता सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, तो सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली क्या है, परमिएबल है। वाई सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए है क्योंकि ये सम ऑफ द सबस्टांस को सेल के अंदर आने देता है और सेल सबस्टांस को सेल के बाहर जाने देता है, यानी सेलेक्टिव सबस्टांस को, मतलब किसी को भी अंदर अंदर बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि जो सेलेक्टिव सबस्टांस है उसी को सेल के अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया ये, ठीक है। दूसरी बात है कि कैसा होता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद सॉफ्ट होता है और ये लिविंग मेम्ब्रेन है ना, लिविंग मेम्ब्रेन है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये बना किस चीज का होता है, तो इसमें होता है प्रोटीन है ना, लिपिड्स भी होते हैं जो खास करके फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म में होते हैं, और होता क्या है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करता है, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करते हैं, ये सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं अगर प्रोटीन का, लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट का, तो प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 52% होता है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के बेसिस पर देखे तो, और लिपिड का जो कंटेंट होता है वो लगभग कितना होता है, तो ये लगभग होगा कितना, तो 40% जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होता है और लगभग 5 टू 8% जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ये ध्यान देना है जरा सा।
इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन का लेयर क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें किस तरह से 4 लेयर मिल जाते हैं, जो कि ऊपर भी प्रोटीन का लेयर है, नीचे भी प्रोटीन का लेयर है, और बीच में क्या रहता है, लिपिड का लेयर रहता है, यानी अरेंजमेंट जो होता है वो PLLP के फॉर्म में रहता है, ठीक है, PLLP के फॉर्म में रहता है। और थिकनेस ऑफ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो मोटाई होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो लगभग होता है लगभग, यानी वैरी करता है, ये वैरी करेगा लगभग 50 to 100, है ना, 50 to 111 एंगस्ट्रॉम तक रहता है, 50 to 111 एंगस्ट्रॉम तक ये रह सकता है, कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। और इस पे कई जो साइंटिस्ट है उसने जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मॉडल भी दिया हुआ है, तो मॉडल को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हालांकि कुछ मॉडल की बात यहाँ पे मैं करूंगा। तो ध्यान देते हैं सेल मेम्ब्रेन में, है ना, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, एक मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, याद रखना है, ज्यादा ध्यान देना नहीं इस पे है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो काफी वेरीफाइड मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल है, और ये दिया हुआ था सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन ने ये दिया हुआ है, ठीक है, 1972 में दिया हुआ ये मॉडल, 1972 में मॉडल दिया हुआ है, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया हुआ है। इसके बाद अगर कुछ फंक्शन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनेट शेप देता है किसको, सेल को देता है। ये बैरियर है किसके बीच में, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में बैरियर का काम कर रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, तो ये सेलेक्टिव सबस्टांस को अंदर और बाहर आने देता है, सेलेक्टिव सबस्टांस का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ये बात हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है, सेलेक्टिव सबस्टांस का मूवमेंट हो जाता है। इसके बाद कह सकते हैं कि ये फॉर्म करता है, है ना, फॉर्म करता है, जैसे विली है, या कह सकते हो कि सीलिया है, है ना, सीलिया है या फ्लैजला है, इस तरह का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से ही होता है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किस तरह से होता है उसकी बात मैं थोड़ा सा करता हूं। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता है दो तरीके से, एक होता है आपका जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में जनरली क्या होता है, तो नॉट नीड ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरीके का होगा, एक होता है डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगर हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, चाहे तो वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल क्या होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से मटेरियल किधर की ओर मूव करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है। और अगर दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमको मिलता है क्या है, ऑस्मोसिस मिल जाता है। तो अगर ऑस्मोसिस की बात करोगे तो इसमें भी क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करता है, लेकिन क्या है, तो मूवमेंट किसका होता है, वाटर का होता है, और किसके बीच में होता है, तो टू डिफरेंट सॉल्यूशन के बीच में होता है ना, टू डिफरेंट सॉल्यूशन के बीच में होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, तो सॉल्यूशन क्या एक तरह से मिक्सचर है, और मिक्सचर किसका होता है, तो बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, है ना, सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वो हो गया सॉल्यूट। अब ध्यान देना है इसके बेसिस पे सॉल्यूशन कितने तरीके का हो जाता है, तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या है, तो तीन तरीके का सॉल्यूशन मिल जाता है, हाँ, तीन तरीके का सॉल्यूशन कौन हो जाता है, तो एक हो जाता है जिसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो चीजें हैं, अब ये हाइपर है तो क्या हाइपर है, हाइपो है तो क्या है, आइसो है तो क्या है, तो ध्यान देना है यहां पर, है ना, यहां पे ध्यान देना है कि सॉल्यूट
और सॉल्वेंट, ये दो चीजें हमारे पास है। अगर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। अगर वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, तो जो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों ही क्या होगा, आइदर कम रहेगा तो कम रहेगा और ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रहेगा, यानी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कंडीशन। अब बात हो जाती है कि ऑस्मोसिस की अगर हम बात करेंगे तो अगर हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली क्या हो जाता है ना, सेल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा, और सेल के श्रिंक करने को हम क्या कह देते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। क्या होता है, क्योंकि वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा, इसको कह देते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है, और सेल स्वेल करने को क्या कहते हैं, इंडोऑस्मोसिस कहते हैं, इंडोऑस्मोसिस बोल देते हैं उसको, इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ऐसे करके अगर देखेंगे तो अगर हमने सॉल्यूशन बनाया है कैसा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाया है, और यहाँ पे एक सेल डालते हैं, तो ये सेल क्या हो जाता है, ये सेल क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, यानी वाटर इससे क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। और अगर यही अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर हम सेल को डालते हैं, जैसे एक रिंकल्ड सेल इसमें हम डालते हैं, सूखा हुआ सेल डालते हैं, और ये क्या होता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, और ये क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, वाटर अंदर की ओर आया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, इंडोऑस्मोसिस हो गया। तो ये कुछ बातें हो जाती है, क्लियर है। इसके बाद है, यहाँ पे हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का। फिर दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम इसमें थोड़ा सा और अगर देखेंगे आगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम से ज्यादा की ओर हो सकता है, ऐसे तो ज्यादा से कम की ओर होता ही है, लेकिन कम से ज्यादा की ओर भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर हमको कम से ज्यादा की ओर भेजना है तो ऐसे में हमें एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और इफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद यूजिंग द एटीपी एनर्जी, नाउ दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये कंडीशन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सोऑस्मोसिस की बात करेंगे तो इसमें हमारा दो कंडीशन और होता है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे दो कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ द प्लांट सेल क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। अभी प्लाज्मोलाइसिस क्या है ना, इस प्लाज्मोलाइसिस को कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इफ बी प्लेस्ड, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का जो ये जो साइटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल जो है वो श्रिंक करने लगता है। ये सेल वॉल हो गया और ये अवे फ्रॉम द सेल वॉल क्या हुआ, श्रिंक करने लगा, तो इस कंडीशन को हम कह देते क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को डालते हैं तो एनिमल सेल क्या होता है, ये ऑल साइड से क्या होता है, श्रिंक करने लगता है और रिंकल अपीयरेंस देता है। तो ऑल साइड से जो रिंकल अपीयरेंस दे रहा है श्रिंक करके, नाउ दिस इज कॉल्ड द क्रीनेशन, इसको कहते क्या है, क्रीनेशन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो अमीबा है वो फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो उसका एक मेथड है विच इज कॉल्ड द इंडोसाइटोसिस, उसको आप कह सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन डील करने के लिए आप इसको इस्तेमाल। चलिए अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल क्या है, तो किस में मिलता है, तो ये बेसिकली आपको मिलता है प्लांट सेल में, है ना, प्लांट सेल में आपको मिलता है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बना होता है किसका, बेसिकली सेल्युलोज का सेल वॉल बना होगा, है ना, ज्यादातर उसमें सेल्युलोज रहता है। इसके बाद जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया में मिलेगा, और जो बैक्टीरिया सेल वॉल है वो बना होता है किसका, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना रहता है। और एक जो है ये फंगी में आपको मिलेगा,
तो फंगी में जो है वो किसका बना रहता है, काइटीन का बना हुआ रहता है, इसका ध्यान देना है काइटीन का बना रहेगा। अगर एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी का जो है उसमें आपको सेल्यूलोज भी मिलता है, मैनन्स या मैनोज भी मिलता है, मैनन्स या मैनोज भी मिलता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, अलग अलग तरह के फंगी, अलग अलग तरह के एल्गी में अलग अलग होगा। तो बेसिकली ध्यान देना है कि अगर ऐसा आए तो एल्गी में भी ज्यादातर क्या है, सेलुलोज को लगाएंगे। और ये आउटर मोस्ट है लेयर है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिल रहा है, बैक्टीरिया में मिल रहा है, एल्गी में मिल रहा है और फंगी में मिल रहा है, ये खास ध्यान देना है। और बातें यहाँ पे है कि जो सेल वॉल है वो क्या होता है, नॉट सेलेक्टिव, वो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता है, बल्कि वो पूरी तरह से परमिएबल होता है, वो मटेरियल को आसपास होने आसानी से दे देता है, इस बात का ध्यान रखना, यानी वो पूरी तरह से परमिएबल होता है। सेल वॉल क्या होगा, अभी हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली है क्या, अगर हम किसी सेल का एक ऐसे ही बना रहे हैं तो सेल का ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और सेल के बीच में क्या है, तो ये एक तरह से बन गया न्यूक्लियस बन गया, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो बड़ा सा एरिया है जहां पे इस तरह का डॉट लाइन के जैसा दर्शाया जाता है, यानी एक फ्लूड के रूप में इसको बताया जाता है, ये जो फ्लूड है दिस इज द साइटोप्लाज्म, है ना, दिस इज द साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इस साइटोप्लाज्म में भी लगभग 80% जो है वो वाटर कंटेंट नहीं होता है, जो सस्पेंशन मीडियम मेंटेन करता है। इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, है ना, बहुत तरह के अदर अदर और भी सब्सटेंसेस में कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कहोगे कि ये सेल के लिए क्या हो गया है, वर्क प्लेस हो गया है, ठीक है। हालांकि साइटोप्लाज्म भी जो है एक जैसा नहीं होगा, बल्कि अगर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म को तो किनारे में थोड़ा सा क्या होता है, डेंस होता है, और डेंस जो साइटोप्लाज्म है किनारे में, इसको हम लोग कह देते क्या है, तो इक्टोप्लाज्म कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसको, इक्टोप्लाज्म कह देते हैं, और अंदर का जो फ्लूडी पार्ट है उसको कह देते हैं इंडोप्लाज्म बोल देते हैं, इंडोप्लाज्म कह देते हैं उसको, ठीक है। अब ध्यान देना है स्पेशली जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या कंटेन करते हैं, सेल ऑर्गेनल कंटेन करते हैं, सेल ऑर्गेनल, इस तरह से जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना, तो इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल इसके अंदर कंटेन करते हैं, यानी एक्चुअली में कह सकते हो कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे सेल ऑर्गेनल कंटेन करते हैं जो एक्चुअली काम करता है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है, उन सेल ऑर्गेनल की थोड़ी हम बात कर लेंगे, समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल पे थोड़ी बात, अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या है, तो सेल ऑर्गेनल एक्चुअली में क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंटिंग यानी सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल से भी छोटा है इसलिए उसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर सबका है और अलग अलग काम भी सबका है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन ऑफ द सेल कह सकते हो उसको, या ऑर्गेनॉइड भी उसको कह सकते हैं आप। इवन आपको मैं बता दूं कि जो सेल ऑर्गेनल है उसके पास ये एबिलिटी है कि दे वर्क, है ना, दे वर्क आउटसाइड द सेल एज इनसाइड द सेल, मतलब जैसे वो सेल के अंदर वर्क करता है उसी तरह सेल के बाहर वर्क करेगा, इफ वी प्रोवाइड सिमिलर कंडीशन दैट इनसाइड द सेल, जिस तरह से सेल के अंदर कंडीशन है वैसा अगर बाहर मिले तो वो काम करेगा।